साथियों, कल लोकतंत्र की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर राज्यसभा को देखने को मिली। जब जब विपक्ष बोलने को खड़ा होता है तो मेजोरिटी में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो इतना हा हुल्लड़ संसद भवन में मचा देते हैं, जिसके कारण विपक्ष का कोई भी सदस्य अगर बोल रहा है तो उनकी आवाज अध्यक्ष तक भी नहीं पहुंच पाती है। संसद में कुछ ऐसा वाक्य हुआ कि राज्यसभा अध्यक्ष खुद खड़े होकर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हा हुल्लड़ और कोहराम मचाने वाले सदस्यों को डांट फटकार लगाई और कहा कि पूरा देश इस समय हमें देख रहा है और हमारा मजाक बनता है कि कैसे भेड़ बकरियों की तरह संसद भवन में विपक्ष और पक्ष आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष किसी भी तरह अपना पक्ष रख रहा है तो शांति से उनको सुनना चाहिए, उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। अगर आप विपक्ष से सहमत नहीं हैं तो आप भी चर्चा के थ्रू बोलकर ये जताएं, ना कि भेड़ियों की तरह संसद भवन में कोहराम मचाएं। सत्ताधारी पार्टी के खुद उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष ने कड़ी फटकार लगाते हुए हा हुल्लड़ करने वाले सांसदों को कुर्सी पर बैठने के लिए वापस मजबूर कर दिया। क्या कुछ हुआ देखिए आप भी। ऑनरेबल मेंबर्स, वी आर सेटिंग वेरी बैड एग्जांपल एंड आई कैन टेल यू पीपल आउटसाइड आर डिसिल्यूजन्ड। दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले of conduct and behavior gives us a very, very bad name. And this side and this side both must have... One second. बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनके बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनके आई कैन अंडरस्टैंड इवन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ द चेयर दैट आर होलसम आर इनडाइजेस्टिबल। व्हाट अ पेनफुल सिनेरियो वी आर हैविंग। ट्रस्ट मी, 135 करोड़ जनता हमें हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या ही, प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। सो आई वुड टेक वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ एवरी मेंबर एंड इन लास्ट फ्यू वर्किंग डेज Honorable members, I have seen two things. Very senior members, in spite of my direction, have failed to put the document on record. I give every member who was directed by me during the course of his speech, referring to a document or a video, a last opportunity is given during course of the day to make available that document on the table of the house. Any such failure will visit the member, and I can tell you with exemplary consequences. In performing my constitutional duties, I will neither look at this side nor at this side. I will look only to the constitution. And I would therefore please hear leader of the opposition. He has already made one point that anything made by him by way of a statement outside the house should not be discussed here. This is one point he has made. Please, one second. Thank you, sir. मैंने बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं
उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। हाँ, और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है, और इसके लिए सर एक मिनट, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया, आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा, कौन है मेंबर? सच नहीं है। आई रिसीव ने क्या की गांधी? ऑनरेबल मेंबर्स, ओके, तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा, और ये बार बार बोलते हैं क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहता।